अरे आप पब्लिक को हटाओ ना, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू आई रोहित अच्छा विजुअल मानने से लगाएगा। मेरे को नहीं मिल रहा है देखना। थैंक यू कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। थैंक यू। परिणीति चोपड़ा यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट तो करवा चुके हैं, लेकिन अब कहीं पर भी स्पॉट की जाती हैं तो पहले इनसे राघव के बारे में, इनकी शादी के बारे में, इनकी एंगेजमेंट के बारे में बहुत सारे सवाल होते थे। लेकिन अब फैन सिर्फ इनको और इंग्लैंड के पैपराज़ी में इनको सिर्फ बधाइयां देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने 13 मई को अपना और राघव का रिश्ता सबके सामने लाकर ऑफिशियल कर दिया। उनका कहना था कि ऑफिशियल चीज थी और बहुत जल्द हम इसका ऐलान भी करना चाहते थे, लेकिन हर डिनर डेट पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंगली जब सब ने इनको एक दूसरे के साथ देखा, वहां पर दोनों को एक अलग-अलग प्रोफेशन के बंदे को, यानी कि एक पॉलिटिक्स में है, एक बॉलीवुड स्टार है, वो आपस में क्या करें, तब से लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी, लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर एक दूसरे के क्या लगते हैं। और पहुंचते पहुंचते इस टाइम पर दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल बना दिया और बहुत जल्द नवम्बर में इनकी शादी भी होने वाली है। व्यूअर्स, आपको परिणीति और राघव का जोड़ा और आपको परिणीति की बहुत अरसे बाद एंगेजमेंट के बाद पहली दफा ये एयरपोर्ट के लोग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।